किसान आंदोलन के बीच आज देश भर में खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगह गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वहीं कुछ दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली में पहुंचे किसान भी प्रकाश पर्व को कुंडली बॉर्डर पर लगातार लंगर लगाकर मना रहे हैं। ऐसा एक दृश्य देखने को मिला अंबाला में मंजोखरा साहिब गुरुद्वारा से, जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का स्वागत काली झंडियां दिखाकर किया गया और भारी विरोध के कारण विज को बचकर भागना पड़ा। आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब गांव अनिल विज का गोद लिया गांव है। प्रशासन पूरा तक्का कर रहा है जी, यहाँ ये देखो तक्का मुक्की कर रहा। सिख सरदार छोकर अंगेल दाढ़ियां पकड़ रहे ने, यहाँ देखो देखो आप। लाइव मेरा नेट नहीं है, लाइव वीडियो बना रहा। हाँ देखो सिख सरदार मुंडे की दाढ़ियां पकड़ी ने, तक्का कर रहा और प्रशासन। क्या नाम है जी आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी क्या कहना चाहोगे आज काले झंडे का? सर जो ये दूसरी पार्टी है खालिस्तान है और आतंकवादी है, यहाँ पर कोई खालिस्तान और आतंकवादी नहीं, सारे किसान है हमारे गांव के। हमारे गांव में अगर कोई भी बीजेपी और जेजेपी कहेगा हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है जी। काले कानूनों के कारण उनका विरोध करेंगे और गुरुद्वारा मैनेजर ने भी हमारा पूरा साथ दिया है जी, उन्होंने भी हमारा प्रशासन भी साथ दे रहा है हमारा। लेकिन ये उनको शर्म आनी चाहिए जो काले कानून लागू करने के बावजूद भी यहाँ पर गांव में आने की हिम्मत कर रहे हैं। 11 साल बाद आया जी, 11 साल बाद ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।